सो गाइस यहाँ पे भुट्टा है, ये रहा, आप लोग आके भुट्टा भी खा सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है भुट्टा देखकर। ये रहा कॉर्न है, स्वीट कॉर्न, इसको पूरा पका के बेचता है। सो हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय अपुन का यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं हूँ अभी यहाँ पे मालदा पे, वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। मेरा सामने एक छोटा बहन है, ये देख सकते हो, यहाँ पे एक लड़का भी है, ये लड़की है। सो गाइस आप लोग पहचान सकते हो, ठीक है, मैं जब पिछले बार बेंगलोर पे था, बेंगलोर पे एक भैया था पप्पू भैया बोल के, उनका घर पे आया हूँ मालदा वेस्ट बंगाल पे। आज करीबन 10 दिन हो चुका है यहाँ पे रहने वाला, तो फाइनली हम लोग कल यहाँ से निकलने वाला हूँ बेंगलोर के लिए। तो यहाँ पे पप्पू भैया थोड़ा पेट दर्द है इसीलिए सो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा, आप लोग पहचान सकते हो। क्या पप्पू भैया क्या हो रहा है? थोड़ा बाद में आएगा बोल रहा है कैमरा पे, अभी शर्म कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा अभी होश में नहीं है, थोड़ा सोने वाला टाइप में है ना, इसीलिए बहुत गर्मी है गाइस यहाँ पे, बहुत गर्मी है। तो मिल रहा है क्या? आकाश शर्मा, तुम्हारा नाम? ये सिर्फ भैया भैया बोलता है गाइस, वो मुख से क्लियर वर्ड्स नहीं निकल रहा है ना, इसीलिए सिर्फ भैया बोलता है, जिसको भी देखता है सिर्फ भैया ही बोलता है। ये देखिए अभी ये क्या करना चाहते हैं, आई डोंट नो गाइस, ये से नाच रहा है। पायल नाम है इसका, पायल इधर आओ। देखा गाइस भैया ही बोलता है, सिर्फ भैया बोलता है। चेक दिस आउट, इतना छोटा प्यारा है गाइस, बट ये सब कुछ समझता है गाइस। मेरा साथ जिस दिन मुझे फर्स्ट टाइम देखा है ना गाइस, उस दिन मुझे आके मेरा गोदी पे डायरेक्ट आ गया, वो शर्म नहीं करता है, जिसका भी गोदी पे डायरेक्ट आ जाता है, रोता नहीं है, सब बच्चा का जैसा नहीं है गाइस। कोई कोई बच्चा होता है ना, कोई कोई बच्चा देखकर भी नहीं आता है, रोता है ना, वो ऐसा टाइप का नहीं है, जिसको जिसके साथ भी आ जाता है फट से। ये रहा पायल, इधर देखो, बाय बाय बोल दो, हाय। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुका है, ठीक है, जाने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पे आकाश है, आकाश का स्कूल है, स्कूल जाएगा क्या? हाँ, खाना खा लिया? तो हम लोग खाना खा लिया, अभी घर से निकलने वाला ही है, ठीक है, कुछ देर बाद घर से निकल जाएंगे, तो मिलते हैं आपको घर के बाहर। अच्छा से स्कूल जाओ, ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करो। एग्ज़ाम कब है तुम्हारा? 3 तारीख को, ठीक है, अच्छा से एग्ज़ाम देना। सो गाइस अभी निकलते हैं पपूडा का घर से, ठीक है, ये पपूडा लोग उनका मम्मी पापा है यहाँ पे, तो यहाँ से अभी चलते हैं, यहाँ पे भी फॉरेस्ट कॉलोनी है, इन लोग स्कूल जाएगा, तो जाते हैं, कैसा है कैसा नहीं आप लोग को दिखा के जाएंगे, ठीक है। तो चलो पपूडा, ये बच्चा है पपूडा का, ये लड़की बहुत क्यूट है। बाय बाय, बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, दादा बोलो, दादा बोलो, दादा बोलो, दादा बोलो। सो ये पापा के साथ है, ठीक है, इतना देर एक साथ था, अभी पापा को छोड़ के चला जाएगा, बात कैसा होगा, ये सब लोग को थोड़ा अलग ही फील होता है गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है। सो गाइस हम लोग मालदा स्टेशन आ ही गया था, ठीक है, ये है मालदा स्टेशन, चेक दिस आउट, बहुत ही बड़ा स्टेशन है ये रहा। तो अभी हम लोग का गाड़ी आने वाला है, यहाँ से हावड़ा जाएंगे, हावड़ा से फिर अलग गाड़ी लेना पड़ेगा। तो मालदा स्टेशन काफी बड़ा है गाइस, आदमी लोग मुझे देख रहा है, देखिए भैया कहाँ जाना है आपको? हावड़ा, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस भैया लोग को मिला, बातचीत किया है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टेशन है, चेक दिस आउट, मैं आप सबको दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का नजारा। यहाँ पे पप्पू भैया है, पप्पू भैया गाड़ी कब आएगा? अभी आ रहा है गाड़ी, आ रहा है। सो चेक दिस आउट गाइस, यहाँ पे इतना बड़ा सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये रहा। फाइनली हम लोग का ट्रेन आ गया है, ठीक है, ये रहा। तो हम लोग का बोगी आगे है, बहुत सारा पैसेंजर लोग नाम रहा है अभी, ठीक है, चेक दिस आउट। कितना है सीट नंबर? 13-14 आगे रहेगा। तेरह चौदह दो उधर में होगा, इधर ये है ना 13-14। कौन सा स्टेशन है नहीं पता, बिल्कुल बारिश दे रहा है।
इतना टाइम धूप था, अभी बारिश है। तो गाइस हम लोग हावड़ा ब्रिज आए गए, ठीक है। हम लोग हावड़ा स्टेशन पे उतर के खाना वाना खा लिया था, तो अभी पप्पूडा है सामने, हम लोग का गाड़ी रात में है। पप्पूडा कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना। सो गाइस इतना बड़ा नदी है पास में, हावड़ा ब्रिज चेक दिस आउट। मैं सोचा नहीं था कि मैं आऊँगा बोलकर, बट बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। बहुत ही बड़ा ब्रिज है गाइस, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। आप लोग भी आना ज़रूर, एक्सप्लोर करके जाना। और यहाँ पे दिन भर गाड़ी चलता ही रहता है, ठीक है। ऐसा देख सकते हो बहुत सारा बांस वगैरह आप लोग को दिखाई देगा। ये रहा, काफ़ी बड़ा है गाइस, चेक दिस आउट। सो थोड़ा थोड़ा बारिश भी दे रहा है, मौसम काफ़ी सुहाना है। दोपहर को बहुत गर्म था, अभी बहुत बारिश दे रहा है, ठीक है। तो गाइस बहुत ही बड़ा है, सोचा नहीं था गाइस इतना बड़ा ब्रिज होगा बोलकर हावड़ा, बट अच्छा लग रहा है देख कर। स्टेशन पे यहाँ से हम लोग का बेंगलोर का ट्रेन है रात का 10:30 बजे। तो यहाँ पे एक डोगी है, डोगी को देखकर बहुत माया लग रहा है गाइस। मेरा घर में भी डोगी है, बस उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब आसपास का ही है, ऐसा है ना। बट क्या रहता है गाइस, कहाँ चला गया डोगी? वो रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा डोगी। एंजिक डो, एंजिक डो, एंजिक डो। इसको कुछ नहीं दिया ना गाइस, इसीलिए वो शर्म कर रहा है। एंजिक डो दिया गाइस, दिया दिया। अरे तो के कुछ खाना है तुझे? कुछ खाना है क्या? सो गया, सो गया गाइस, सो गया, सो गया, सो गया। देख चेक दिस आउट, सो गया। यहाँ पे है तकरा जाम, हम लोग का स्टेशन नंबर 21 है। यहाँ से हम लोग का गाड़ी है बेंगलोर जाने का, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, सीट मिलता है या नहीं। वेटिंग सीट पे सीट था, कंफर्म हो गया। जो चीज़ आप करोगे वो चीज़ दिल से करना पड़ता है, ठीक है, तो ही जाके सक्सेस होता है। अगर आप पैसा देख के काम करोगे तो कुछ नहीं होगा आपका लाइफ में, आपको सीखना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको सीखना पड़ेगा, तो ही जाके आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। सो गाइस हम लोग अपना डेस्टिनेशन में पहुंच ही गया, ठीक है, 21 प्लेटफॉर्म नंबर पे। यहाँ पे हम लोग का गाड़ी आने वाला है बेंगलोर के लिए, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। भाभी ने रोटी बना के दिया रहा, पप्पू का वाइफ ने, तो वही खा रहा है। पेट भर के खा लेंगे, रात को कुछ नहीं खाएंगे, स्लीपर पे सो के जाएंगे, तो इसीलिए सुबह उठ के जो करना है वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी खा लेते हैं। पप्पूडा हम लोग मालदा से सकता था, बट मालदा से टिकट अवेलेबल नहीं था ना, अवेलेबल नहीं था। तो मालदा से भी हम लोग डायरेक्ट बेंगलोर जा सकता था, बट मालदा से टिकट अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग हावड़ा पे आके यहाँ से टिकट करके बेंगलोर जा रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ से बेंगलोर जाने के लिए हम लोग का कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा बोली? तो यहाँ से हम लोग का बेंगलोर जाने के लिए 2 दिन लगेगा, ठीक है। तो दो गाइस खा लिया, ठीक है, रात का खाना। पप्पू का थोड़ा शर्म करता है, इसीलिए वो स्टेशन पर गया है गाड़ी नंबर पूछने के लिए, कोई बात नहीं। खाना खाना खाना
गाइस फाइनली हम लोग बेंगलोर पहुंच ही गया, ठीक है। थोड़ा देर पहले पहुंचा आके तो पप्पू दा का जो मैंने आपको दिखाया था व्लॉग, पहले बार जो पप्पू दा के साथ आया उनके साथ ही आया, तो अभी उनके भाई का रूम पे है। हम लोग काम करने के लिए नहीं गया अभी, तो कल यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसा लगा कॉमेंट करके बताना व्लॉग। सो यहाँ पर काफ़ी कमती है धूप आसाम से, तो ऐसा लग रहा है, बट दो तीन दिन बैठने का बात ही पता चलेगा। सो गाइस मेरा जो है ना यहाँ पर जो शोल्डर पे बोले एक कुछ चोट लगा था, आई डोंट नो कैसा लगा। मैं जब हाफलॉन्ग था, हाफलॉन्ग पे मैं हॉस्पिटल गया था, बट हॉस्पिटल में बहुत लंबा लाइन था, इसीलिए मैं चेकअप करवा नहीं पाया। तो मालदा जब था पप्पूडा का घर पे, मालदा पे मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे वो दवाई वगैरह दिया, वो लगाने के बाद भी इतना मतलब ठीक नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है टाइम टू टाइम। तो पता नहीं क्या हुआ अंदर पे, शायद यहाँ पे बेंगलोर पे एक बार चेकअप कराना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस काम जो है ना गाइस, मैं छोटा बड़ा नहीं रखता हूँ, जाके देखते हैं। पहले का कंपनी था, पहले मैं जो काम करता था वहाँ पे मैं, बट वन मंथ के बाद दिक्कत हो गया बोल के मुझे वापस हाफलॉन्ग जाना पड़ा। तो इस बार आया, इस बार देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं व्लॉग बना पाऊँगा या नहीं पाऊँगा आई डोंट नो गाइस, बट कोशिश करूँगा कि संडे को आपको हर एक दिन, हर एक संडे को व्लॉग अपलोड करने का, ठीक है। क्योंकि संडे को छुट्टी मिलता है, छुट्टी भी नहीं मिलता है, आपका इच्छा है, मतलब आप छुट्टी लोगे या नहीं लोगे। अगर संडे को छुट्टी नहीं लेगा तो संडे का भी पैसा एक्स्ट्रा बनता है। काम करने में पैसा हमें सोचना नहीं है गाइस, काम करते जाओ, दिल से काम करते जाओ, काम करेगा तो पैसा तो ऐसे ही मिलेगा ही गाइस। तो पैसा मत सोचिए, काम को सोचिए, बट काम कैसा है अब मतलब दिल लगा के काम करना पड़ता है। सो देखते हैं क्या क्या होता है। तो अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर आके, अभी थोड़ा देर पहले पूछा है हम लोग, यहाँ पे एक पूजा चल रहा है साउथ पे, बहुत बड़ा बड़ा पूजा चल रहा है, जो ना क्या पूजा है आते वक्त भी देखा है, बहुत लोग पूजा कर रहा है, बहुत सारा यहाँ पे भी पूजा कर रहा है पास में, ये रहा मैं दिखा रहा हूँ, वो रहा पूजा, एक गाना बज रहा है यहाँ पे। सो गाइस इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड करना पड़ेगा, यहाँ तक देखा तो बिना लाइक करके बिल्कुल मत जाना, और अगर आप मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना भाई को इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना पड़ेगा, कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर जाना। और हाँ गाइस, मैंने आजकल देखता हूँ ब्लॉगर, बड़ा बड़ा ब्लॉगर लोगों का कमेंट पर, अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो तुम एग्जाम पे फेल हो जाओगे। तो यार ऐसा मत करो यार, कुछ अच्छा कमेंट करो, जो वीडियो का टाइटल है उसी टाइटल को देख कर अच्छा अच्छा कमेंट करो, बहुत सारा कमेंट करने का ऑप्शन है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग वो सब कमेंट मत कीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कमेंट कीजिए, बट जिसने ब्लॉग अपलोड किया है उसको देखकर ऐसा लगे कि हाँ कोई बंदा है कि ऐसा ऐसा कमेंट कर रहा है वीडियो का रिलेटेड, उसको भी और अच्छा लगेगा, और भी अच्छा अच्छा कंटेंट वो अपलोड करेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कमेंट करने के लिए, आप लोग का इच्छा है, आप लोग कमेंट जो भी कर सकते हो, अच्छा है बुरा है आई डोंट नो, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरा वो गलती है, मुझे सुधारना है। बट कमेंट करने का भी एक तरीका होता है गाइस, जो टाइटल है उसी का रिलेटेड कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है दिल पे, ठीक है। सो डोंट माइंड, तो इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड करेगा, यहाँ तक देखा तो बिना लाइक करके बिल्कुल मत जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय गाइस, बाय।